हम 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराते? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन पर भारत के लोगों को खुद पर राज करने का अधिकार मिला। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का राज होता था। अंग्रेज एक वाइस रॉय को भेजते थे जो अपनी मन मर्जी से सरकार चलाता था। भारत के लोगों का उस सरकार में कोई अधिकार नहीं होता था, कोई आवाज नहीं होती थी। तो हम 15 अगस्त को झंडा लोकतंत्र के लिए फहराते हैं, आजादी के लिए फहराते हैं, भारत के लोगों की आवाज सुनने के हक के लिए फहराते हैं। लेकिन आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वायसराय आ गए हैं, एक नए वायसराय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है, 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना है। और वो तिरंगा फहराना देश के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है। और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिया जाता तो इससे बड़ा तानाशाही का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के साथ खड़ी है कि लोकतंत्र के साथ खड़ी है। आपके साथ इसका रूल क्या है? कुछ नियम बने हैं कि कौन किसको फहराना चाहिए तिरंगा? देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को। वो तिहाड़ जेल राज है सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं।